अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी जस्ट उठी हूँ, बज रहे हैं अभी 12:30, क्योंकि रात भर जागते करते तो सुबह में 6:30, 7 बज जाते हैं, सो जाते हैं, तो बस अभी उठी और अभी जा रही हूँ। पहले तो सबसे पहले बस अभी आधे घंटे में नमाज का टाइम हो जाएगा, जोहर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर चलेंगे आज अब चलेंगे किचन के पास। देखो बोलते बोलते 18 रोजे हो चुके हैं, बस अभी यहाँ से 12 रोजे बचे हैं। तो चले, आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि कीमा समोसे बनाने जा रही हूँ मैं, और चिकन ब्रेड कटलेट, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। आप देखिए, बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो पहले नमाज बस पढ़ लेंगे, उसके बाद में सब, तो मैं आपको लेके चलती हूँ किचन की तरफ। हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड कटलेट, और यहाँ पे चिकन बॉईल हो रही है, और इसमें पड़े हैं क्या क्या मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक पूरा का कांदा, और एक शिमला मिर्च अक्की पूरी, और एक कप यहाँ पे है कॉर्न, 2 टेबलस्पून मेयोनीज, एक स्पून काली मिरी, एक चम्मच धनिया की बुकी, ये लहसुन गार्लिक पाउडर आता है जो 1 स्पून ये भी डालना है, पिज्ज़ा सॉस का, पिज़्ज़ा सॉस से ये 1 स्पून, और ये चिली फ्लेक्स है 1/2 स्पून नमक, और फिर बीच में है नमक स्वाद अनुसार, और अभी डाल रहे हैं सोया सॉस। सोया सॉस हमने सिर्फ डाला है एक छोटा सा जो आता है ना, 1 स्पून समझ लो वो डाला है। ओके, अभी इसमें ये चिकन बॉयल हो जाएंगे, हम इस पर श्रेड करेंगे और डालेंगे। तो ये रेसिपी देखिए आप, और टेस्टी रहेगी, बनेगी, क्योंकि कल भी हमने ये बनाए थे सेम, और आज भी हम लोग वापस बना रहे हैं क्योंकि हमको बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे हम बना रहे हैं मटन कीमा, तो जिसमें मटन कीमा में सिर्फ हमको डालना है, हमने ये 1/2 kg मटन लिया है कीमा, मतलब इसका कीमा बनाया है, और हमने इसमें मटर डाला है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है इसके अंदर, नमक है, बस ये चीज़ है। उसके बाद हम जब ये पानी इसका, हम लोग इसको ये बॉईल कर रहे हैं, मतलब इसका पानी इसमें सुखा रहे हैं कि जब पानी सूख जाएगा तो इसके बाद में सब डाल के फिर उसको फिलिंग करेंगे। अब इसके अंदर हम ये स्प्रिंग अनियन है जो मैं सिर्फ एक डालूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मटर भी है, तो ये स्प्रिंग अनियन, और ये कुतमीर है, धनिया, तो मैं इसमें इसमें डालूँगी इसको कट करके। सब मसाला हमने मिक्स कर दिया, जितना भी था हम आपको बताएं कि अब यहाँ पर हम चिकन शेड करके इसमें डाल दें, ये पूरा मिक्स करना है, फिर आगे का प्रोसीजर। और यहाँ पे हमने ये खीमे को जो पूरा बॉईल कर दिया था, ये पूरा पानी पूरा सोख लिया है। अब इसमें हम लोग ने कुतमी डाल दी, उन्होंने इसमें स्प्रिंग अनियन डाल दी, और बस अभी इसको मिक्स करके समोसे में भर दिया। अब ये हो गया परफेक्ट पूरा रेडी, और इसमें हमने चीज़ भी डाल दिया है, और अभी ये माही यहाँ पर कट कर रही है ब्रेड को, इसमें ये फिलिंग करेंगे, देन उसमें हम लोग फ्राई। सो देखिए, ये हमारे रेडी हो गए चिकन ब्रेड कटलेट, और ये है समोसे। तो कैसे लगे आपको ये हमारी रेसिपी, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हम आपको शेयर करेंगे इसका टेस्ट। वैसे तो हमने बताया कि टेस्ट अच्छा ही था, हमने कल भी बनाया था, तो इसलिए टेस्ट अच्छा होने की वजह से हमने इसको रिपीट किया, तो आप भी ज़रूर बनाएंगे। आज हमारा 4th डे हो चुका है पढ़ाई का, और बस अभी पढ़ाई का मतलब 4th डे अभी चल, बस तैयारी कर रहे, थोड़ा ऐसा बेचारा भाभी ऐसा माँ पे थोड़ा करो तो ये इसके ऊपर आ जाएगी भी। तो माँ ने भी बेचारे, हम लोग बस ये पढ़ने बैठने वाले हैं, वही जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, और हस्बैंड यहाँ पे पिस्ता काट रहे हैं, हमेशा की ड्यूटी उनकी पिस्ता और बादाम ये काटते हैं, हम लोग भी मिल के काटते हैं। कितने काटे तुमने ये? अभी इतने बचे ना, चलो मजबू कर लो, बैठो बीच में बिछा दो, बीच में बिछा दो, और वो बीज डाल दो उसमें थोड़ा और ऊपर, और हाँ अभी को सैडी का वक्त हो चुका है, और हम लोग आ चुके हैं वापस किचन में, और अभी हम लोग बना रहे हैं पराठे।
चाय पराठे ये अगर ये मेरे डब्बे के ऊपर मेरे दोनों मोबाइल रखी हुई और ढगी रहा तो सीधा फ्राई पैन के ऊपर ये भी सीखा जाएगा मेरा आई ऊपर लगाई हूँ मैंने तो कहा रखू सामने रखने की मजबूरी हाँ तब भी वो अभी चलो कोई बात नहीं फिर मैं घी डाल के उसको पकाऊंगी। हाँ तो अभी हमारा जब पढ़ाई हो चुकी थी ताजुद की नमाज हो चुकी थी और फिर सब पावले की घंटी की आवाज भी आ गई बात से पावले तो तुम्हें पाव चाहिए शहरी में भी हम लोग उतने ही लोग हैं। हाँ हाँ हम लोग तीन चार लोग हैं ना एक ऊपर सो गई। हाँ अभी अक्षा भी आ जाएंगे नीचे ताजुद की नमाज पढ़ने के लिए और आज हम लोगों ने बनाया है कीमा हमारे खाने वाला ही नहीं है बोले तो क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे हमारा जैन जो है ना वो आज गया है टाउन उसकी फ्रेंड्स टाउन थोड़ी गया टाउन गया वहीं जाते हैं शहरी तो जो वहाँ जहाँ पे काम करते ऑफिस में वो वहाँ पे उसकी कलीग्स लोग के साथ में जो है तो वो आज गया है टाउन। सो अभी हम लोग फिलहाल हम लोग कब से यही सोच रहे थे क्योंकि हमारा जैन कीमा नहीं खाता है और हमने सोचा कि अभी कीमा होने का था तो क्या करें मम्मी बोले कोई बात नहीं हम लोग ने आज बनाए थे मटन का सालन तो वो तुमको दे देंगे तो हम लोग बोले ठीक है। और बाकी तो वैसे भी वहाँ से वो फिरनी भी आई है हम लोग को तवक्कल की फिरनी आई है जब मैं लेके आई है। हाँ यूट्यूब माइंड को बड़ी हंसी आती है माइंड ना लेके होती है बहुत हंसी आती है माइंड को और मुनाफा भी आया तो अभी चलो जल्दी जल्दी ज़्यादा मजा मस्ती नहीं करते फटाफट रोटी बनाते हैं पराठे बनाते हैं तैयारी करते हैं। चाय के साथ में पराठा वाह वाह वाह। आप लोग सहेली में क्या क्या खाते हो हम लोग तो देखो सहेली में जैसे मैंने शायद मेरे ख्याल से पहले भी बोली थी ना चाय फिलहाल हम लोग ये रोटी पराठा बचा अभी जो बनाई नहीं तो बचा क्या है स्टार्ट करूँगी। तो ये कैसा मानो ये हीरे का ऐसा 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 ये थोड़ा मोटा मोटा कितने बने हैं हाँ आपको भी दो हटाने का ना बस हो गया बस एक ही ठीक चावल भी ठीक है पाव भी लेते ना पाव वाला भी आया ना पाव वाला से बदले दो पाव के लिए खाएंगे आप खाओगे मैं नहीं खाऊंगा तो रोटी खाऊंगा मैं नहीं खाती इसे माइन भी नहीं खाती मैं भी नहीं खाती मैं तो रोटी खाती हूँ पाव नहीं खाते है ना तो जाओ चलो तुम नमाज पढ़ लो पाव ले लो दो पाव ले लो खाने हैं पाव हाँ ले लो दो पाव ले लो ठीक है तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम लोग शहरी के बाद मलाई चीनी कुनाफा कीमा और ये चलो गेमर भाई बैठने के लिए अभी हम लोग हो गई शहरी अभी हमने शहरी वहरी कर लिए है और नमाज भी पढ़ ली है सब हो गए बच्चे लोग मस्जिद में गए हैं और वह सभी आते हो गए और मैं जा रही हूँ सोने के लिए बहुत थक गए रात भर जाके सब पढ़ाई वगैरह किए तो आपसे मिलते हैं फिर दोपहर में जैसे मैंने बोला है कि सब हम लोग को सामान वगैरह मतलब फ्रूट्स वगैरह जो भी है और भजी बनाने वाले सब चीज़ें बनाएंगे तो जैसे जैसे बताएंगे तो आपको भी शेयर करेंगे हम क्या क्या करने वाले हैं तो चलिए अभी तो बहुत थक गए चलिए अल्लाह हाफिज़ शब खैर मिलते हैं आपसे दोपहर में। अस्सलाम वालेकुम आप सबको जुम्मा मुबारक हो बस अभी कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ान ख़त्म होने के लिए अगला जुम्मा जो है फिर अलविदा जुम्मा रहेगा तो चलिए फिर अभी आप लोग दुआ में याद रखिए सबके लिए हमारे लिए फलस्तीनियों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ में याद रखिए हम आप लोग के लिए तो आप लोग सबके लिए हम लोग ने भी दुआ की हम लोग जो पढ़ाई करते हैं हम सबके लिए दुआई करते हैं
तो फिलहाल अभी चलिए, हम लोग को जाना है। मैंने से आपको बोला था कि आज हमको सब बनाना है, आज जुम्मा का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। ऐसे तो हम लोग है ना कल परसों बनाने वाले थे, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आज जुम्मा का दिन है, तो वो हिसाब से जुम्मा के दिन हम बोले अच्छे दिन रहता है, तो सभी दिन अच्छे रहते हैं पर जुम्मा का दिन है तो इसके बोले कर लो। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि मैंने रात से ही चने भिगवाने रख दी थी। अभी ये चिकन है तो ये देखो इसमें भी है, और वो माइनू किधर गया, कुकर में भी रखा हुआ है, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। देखो ये चने मैंने इसमें भिगोए हैं और अभी मैं इसमें चढ़ाने जा रही हूँ। ये भी चने हैं, सब चने भिगाती हूँ बनाती हूँ, उसके बाद में दूसरी सब चीज़ें जो बनाई मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें अभी चढ़ा दी, बस अभी इसको बंद करने जा रही हूँ, चढ़ा रही हूँ। क्या क्या आदिल कादरी का इतर लेके आया लगाने के लिए। तो चलो अभी अभी लाने का कलिंगर कलिंगर वाटर बोतल ला लिए, चल लेके आ गए कलिंगर भी ला लिए चार। इसको जाए नमाज को वहाँ पे रख दे, ऊपर निकल ले। तो ये जो डिश मैं बनाने जा रहे हैं, ये डिश बहुत अच्छी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करना, क्योंकि ये डिश खाने में भी बहुत अच्छी है और बनने में भी आसानी है। मैंने इसमें लिए अभी 1.25 किलो चिकन, अच्छे से धो लिए, साफ़ कर लिए हैं। अभी आगे आगे इसको क्या करना है मैं आपको बताऊँ। इसमें आपको डालना है ये हाफ, मैंने मतलब ये जो बटर है उसका हाफ मैंने इसमें डाली हूँ, और इसके बाद आपको डालना है ये बीच में ही डालना ना, तो फिर वो अब इसमें डालो वाइट पेपर, और अभी आपको इसमें डालना है वाइट पेपर एक स्पून, बस भूलने थोड़ा एक स्पून के बस बस बस। अभी हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर जो मिक्स हब होता है, अगर आपके पास मिक्स हब नहीं है तो ऑरिगेनो डालो एक स्पून, और आपको डालना है एक स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मेरा अलग अलग पीसती हूँ, तो ये मैंने एक चम्मच लहसुन डाली हूँ, अभी एक चम्मच मैंने अदरक डाली हूँ, और एक चम्मच हरी मिर्च। अब इसमें डालना है आपको चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स भी आपको एक टीस्पून डालना है, और अब इसमें डालना है नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालना, आपको कितना लगता है टेस्ट के हिसाब से ही डालना, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ों में मसालों में भी नमक रहते हैं हल्के हल्के से, तो कम का ही डालो, फिर उसके बाद में वो फुलकता है तो आप इसमें डाल सकते हो। तो अभी इसमें आपको कोतमीर आपको काट के डालना है, और पुदीना काट के डालना है, और इस सब को आपको पीस डालना है। मैंने अब इसमें डाल दिए 2 स्लाइस चीज़, आपको जितना डालना है, और चीज़ ही चाहिए तो डाल सकते हो, और यहाँ पे ऊपर से ये मोजरेला चीज़ जो मैंने डाला है। अभी सबको मिक्स करना है, फिर यहाँ पर देखिए कोयला स्मोक के लिए डालना है उसके अंदर। अभी हमने इस पर कोयला डाल दिया है, और इस पर थोड़ा सा घी डाल दिया, इसमें ढक दो जल्दी, ढक दो बस 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 वही। तो उसको ढक के कम से कम 1 से 1.5 घंटा रखना है, उसके बाद में फिर आप उसको नॉर्मली इसको अंडे में डाल के फ्राई करना है। सो हम लोग ने ये सब रेडी कर दिया। अभी अंशर ने यहाँ पे, अंशर और माही ने बैठ के पूरा फ्रूट्स कट किए हैं, यहाँ पे देखिए ये सब पूरा फ्रूट यहाँ पे थोड़ा 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 करके उसके अंदर डाल, ऊपर से वो भी कर। कटोरी में सब चने भर देंगे, और अभी भजे वजे भी बन रहे हैं हाँ। तो भी लेके आती हूँ मैं, जब तक ये कट कर दे। अच्छा सगड़े तू भी एक एक करके उसके अंदर प्लेट में भर, प्लेट किधर रखा? एक दिया सर, सेम वहां रखा है ना। अरे यहाँ है प्लेट, ले डाल दे, चल ले प्लेट से, और उसमें डालते चले जा सकू। तो यहाँ पे ये सब प्लेट्स बन गई है, इसके अंदर वो भी डालो, मैं कटोरे में देती हूँ तुमको, दही वाले में डालो, और वो डाले चिकन की, वो डाले चिकन के बजे डाले ना, ये सब चने भी रेडी हो चुके हैं, प्लेट बन रही है, वहाँ से सकलेन सब कर रहे हैं, अभी सकलेन अच्छे से कर।
आई थिंक इसका फ्राई हो चुका है और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आधे वहाँ पे चले गए और अभी ये दही वड़े का भी कर रही हूँ, बाटी का वो प्लेट करेगी जब वहाँ से वो सब प्लेट है वो कर देते हैं। तो अलहमदिल्ला सबको बांट के सब हो गया, बस अभी हम लोग जा रहे हैं दुआ के लिए, फिर रोज़ा खुलेंगे, रोज़ा खुलने के बाद में आपसे मिलते हैं। पानी बहुत स्लो आ रहा है, दूसरा वाला भी चालू कर, दूसरा वाला भी चालू कर। तो देखिए आप लोग भी ऐसा हो ना कि एक बार रोजा रोजा खोल के हो गया, उसके बाद में किसको कंटर आता है बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, माई मोती मेरे को आता है, सबको आता है, मैं कौन सी नावल की पढ़ी, मेरे को भी आता है पर करना पड़ेगा ना। पानी हम लोग का है ना 8:30 बजे चले जाता है, यहाँ पे पानी आता है ना 4 बजे पानी चला जाता है, वो धोए के बर्तन में से उसमें से निकाल के बोलते हैं अभी कैसा रात भर हम लोग जागते हैं तो बर्तन भी निकालते हैं और फिर किसी को बाथरूम वाथरूम जाना होता है तो पानी टाकी का ख़त्म हो जाएगा, पानी तो आता है फिर 6 बजे अगर जागना हो नहीं होता है अगर हमको तो हम लोग फिर एक बार सो जाए रात में तो हो जाता है पर हम लोग जागते हैं तो वो हिसाब से टाकी में पानी रहना चाहिए ना, बाथरूम वाथरूम जाना है कुछ है टाकी तो उसकी बड़ी होने के बाद भी फैमिली बड़ी है तो ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है मैं अभी थोड़े थोड़े से बर्तन ज़्यादा भी नहीं वो आएगी पर जैसे थोड़े थोड़े जो बर्तन है मैं सोचती हूँ जितना पानी कम लगे उसमें कर लेंगे और जो ये लोग काते हैं तो पानी भी बहुत बहुत ज़्यादा है, नल चालू कर देते और बहुत यूज़ करते हैं पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारी हो गई है सबको, हमने जो इफ्तारी दिए हैं बहुत अच्छे से हो गई है सबको चले गई मसल्ला सबके आस को पूरा करें अनुमान को पूरा करें। आप लोग के ईद के कपड़े हो गए कि नहीं हुए कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, हमारा तो टेलर कपड़ा नहीं ले रहा है, लेगा बट अभी फ़िलहाल नहीं ले रहा है, बोलता है कि कितने कितना टाइम हो गया तुम अभी तक कहाँ थे आए क्यों नहीं, माइंड के कपड़े तो चले गए थे पहले टेलर के पास से, अक्षा के जो है मैं अक्षा को हर साल रमज़ान से पहले ही कपड़ों की तैयारी करके रख दो ताकि टेलर लोग जो है तो हमेशा फिर लेट जाओगे तो वो लोग भी फुल हो जाते हैं कपड़े, बहुत लोग सिलाते तो ठीक है ये तो मेरा चलते रहेगा। इसी के साथ में हमारे ये ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आपके साथ में नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, जब तक कि आपको क्या करना है मेरे चैनल को लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, दुआ में याद रखिए सबके लिए दुआ कीजिए अपनी उम्मत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इसलिए मेरे सब है, अल्लाह हाफिज टेक केयर। अभी तो फिलहाल मेरे दोनों हाथ बिजी है तो मैं वीडियो को एंड बंद भी नहीं कर सकती हूँ, हाँ माइंड मिलती मैं हूँ ना माइंड बंद कर दूँगी।